मस्जिद रे जय श्री राम नारा देबा कोनोसी अपराध नुहे बोली कहिछंती कर्नाटक हाईकोर्ट। एथिसहित जय श्री राम नारा देबा को नै दुई जण व्यक्ति को विरुद्ध रे रुजु होइतिबा अपराधिक मामला को एबे खंडन करा जाय छे। तेबे अभिचक अनुसार कर्नाटक पुलिस दुई जण व्यक्ति को मस्जिद भितरे जय श्री राम नारा देबा को नै विभिन्न दफा लगाइबा सह गिरफ करथिले, जहाँ को भूल दर्शाइछंती कर्नाटक हाईकोर्ट। एथिसहित सेमानक विरुद्ध रे परवर्ती न्यायिक प्रक्रिया को मना कर दैछती। सूचना रहिछे सेप्टेम्बर 24 सकाळ समय रे कर्नाटक रो दुई जण व्यक्ति एक मस्जिद भितरे जय श्री राम नारा देतिबा अभिषेक होइथिला। धारा 295 ए अनुसार सेमानक विरुद्ध रे अभिषेक करा जाइथिला। एथिसहित पुलिस सेमानक विरुद्ध रे भारतीय दंड संहिता आधार रे मामला रुजु करबा सह गिरफ करथिला, किंतु अभियुक्त दर्शा जाइथिबा दुई जण व्यक्ति एहाकु हाईकोर्ट रे चैलेंज करथिले। आज उच्च न्यायालय रो जस्टिस एम नागप्रसन्न को नै गठित एकक बेंच ए उपरे सुनानी करी एही मस्जिद रे जय श्री राम नारा देबा एक अपराध नुहे बोली कहिथिले। जदि मस्जिद बाहर किंबा भितरे केही जय श्री राम कहंती तेबे हा किपरि कहार धार्मिक भावना को आघात पहुंचाउछि ताहा बुझा पड़ु नहीं बोली जस्टिस नागप्रसन्न कहिछंती। तबे से आहुरी मध्ये कहिछंती संप्रुक्त अंचल रे हिंदू एवं मुस्लिम निज निज मध्ये समन्वय रक्षा करी चलुथिबा अभियोगकारी नीचे कहिछंती, तथापि एही अभियोग को भित्ति करी सेमानक विरुद्ध रे परवर्ती न्यायिक प्रक्रिया पई अनुमति देबा आईन रो अपव्यवहार हेबो बोली कहिछंती। तबे सुप्रीम कोर्ट निर्देश क्रमे कोनोसी भी कार्य को आईपीसी रो धारा 295 ए अनुजाई अपराध दर्शा जीव नाही बोली जस्टिस नागप्रसन्न कहिछंती। ब्यूरो रिपोर्ट, प्रतिज्ञा टीवी।